26 तारीख के गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद होता है इसका समापन, जिसको कहा जाता है बीटिंग द रिट्रीट। और अगर आपने गणतंत्र दिवस पर विशेष वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं बीटिंग द रिट्रीट के बारे में। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। रायसीना रोड पर राष्ट्रपति भवन के सामने इसका प्रदर्शन किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह की तरह यह कार्यक्रम भी देखने लायक होता है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक बेहद सुंदर रोशनी के साथ सजाया जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि बीटिंग द रिट्रीट क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। दुनिया भर में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा रही है। लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर हथियार रखकर अपने कैंप में जाती थी, तब एक संगीतमय समारोह होता था। इसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस सेरेमनी को सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ पूरा किया था। समारोह में राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बीटिंग द रिट्रीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर से हमारे आज के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे जिसको जिसको फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में हमें DM भी कर सकते हैं जिसको कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।